अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल रेशमी पनीर बनाने जा रहे। आगे बनने से पहले एक जरूरी सूचना, अवर चैनल इज ऑल अबाउट ट्रैवल एंड फूड। ट्रैवल जो हम लोग जहाँ कहीं ट्रैवल करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू यू गाइस। फूड यानी जो रेसिपीज हम लोग आपसे शेयर करते हैं, जैसा आज का ये ब्लॉग, या फिर हम लोग जहाँ कहीं बाहर जाते हैं वहाँ का क्विजिन आप तक लाने की कोशिश करते हैं। इफ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। वी पोस्ट न्यू वीडियोस एवरी वीक। चलो अब हम लोग आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे मैं फुल 1 ऑनियन चॉप करके रख ली, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 फुल टेबल स्पून, यहाँ पे 3 मीडियम साइज टोमेटो चॉप करके रख ली, एंड दीज आर होल गरम मसाला, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, इलायची 2, क्लोव्स 3, एंड ये सिनेमम स्टिक्स 2 ले सकते, इतने इंच के, 1 इंच के। यहाँ पे मेरे छोटे थे तो मैं एक 4 ले ली। ये कैश्यूज है, मैं ऐसा स्प्लिट करके रख ली, अराउंड 10 कैश्यूज ली। और ये पनीर, ये पनीर मेरे 200 ग्राम्स के है, मैं ये साइज के कट करके रख ली। साइज अपने मर्जी से कट करके रख ले सकते हैं। और स्पाइसेस, ये जीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। तो चलो अब हम लोग पकाने चलेंगे। पॉट गरम हो गया, मैं हाई फ्लेम पे रख ली। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। पहले हम लोग पनीर थोड़ा स्टिर फ्राई के जैसा कर रहे हैं, ऑयल में कलर आ जाता अच्छे से। फ्लेम अब मैं मीडियम पे कर ले रही, मीडियम पे 1-2 मिनट बस ऐसा स्टिर करते रहना है, लाइट ब्राउन शेड आ जाता। 4 साइड्स थोड़ा बहुत पलटाना भी रहता, इसको ऐसा लाइट ब्राउन कलर आना रहता, पूरा ग्रेवी में अच्छे दिख के आते पनीर ऐसा है तो। 1 मिनट ऑलरेडी हो गया, और 1 मिनट उसके बाद मैं निकाल देती। वन टेबल स्पून ऑयल जो मैं ली थी वो ऑलरेडी है, मैं 1 टीस्पून एक्स्ट्रा ऐड कर रही अब ऑनियंस फ्राई करने के लिए। ऑनियन से पहले हम लोग ये कैश्यूज जो ली वो वाला फ्राई कर ले रही। फ्लेम मीडियम पे ही है अभी भी। 1 मिनट हो गया, अब मैं इसमें ऑनियंस ऐड कर ले रही। ऑनियंस जब तक लाइट ब्राउन कलर आ जाते तब तक तलना रहता, जब पनीर सालन का ग्रेवी बनता यही सब मसाले, ऑनियंस, टोमेटो, कैश्यूज सब मजेदार के रहते। ऑनियंस 50% कुक हो गए, अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर ले रही। जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉनेस जाते ही नेक्स्ट टोमेटोस रेडी में रख लेंगे हम लोग। जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉनेस चले गया, अब मैं नेक्स्ट इसमें टोमेटोस ऐड कर ले रही। इसी में 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही। टोमेटोस जल्दी सॉफ्ट हो जाते सॉल्ट ऐड करने से, तो जब तक टोमेटोस सॉफ्ट होते हम लोग थोड़ा स्टिर करके लिड क्लोज करके रख लेंगे। मिनट हो गए, टोमेटो सॉफ्ट हो गए अच्छे से, मैं
सिर दे दे के फ्लेम ऑफ कर ले रही है। जब तक ये ठंडा होता तब तक छोड़ दे के इस पे स्टाव के ऊपर ही। ठंडा पूरा ठंडा होने के बाद हम लोग इसको पेस्ट बना लेंगे मिक्सी जार में। हमारा ये पूरा मसाला ठंडा हो गया, अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के पेस्ट मान लेती। ये मैं मिक्सी कर ली, टोमेटो ऑनियन पेस्ट बन गया। मैं पॉट भी ऑन कर ली, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर ली इसमें। ऑयल गर्म होते ही हम लोग होल स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। ऑयल गर्म हो गया, मैं होल स्पाइसेस ऐड कर ले रही। अब स्पाइसेस थोड़ा सॉल्ट होते ही हम लोग हमारा ऑनियन पेस्ट जो प्रिपेयर कर लिए वो डाल देंगे। हो गया, अब मैं इसमें टोमेटोस का पेस्ट डाल दे रही। ये थोड़ा बच गया, मैं इसमें थोड़ा हाफ कप पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लेती। ये पकना स्टार्ट हो गया, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही, या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपना स्पाइस लेवल के हिसाब से। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर, एंड 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब मसाले थोड़ा 1-2 मिनट में पकते ही हम लोग नेक्स्ट पनीर ऐड कर लेंगे इसमें। रॉनेस निकलने के बाद पनीर ऐड करना रहता, तो टाइम अकॉर्डिंगली जब तक रॉनेस नहीं चले जाता पाउडर्स का। फ्लेम मीडियम हाई पे है, बीच बीच में स्टिर करना रहता नहीं तो नीचे लग जाता। अब जो पेंडिंग 1/2 ग्लास पानी था उसका आधा मतलब 1/4 ग्लास मैं ऐड कर ली पानी और थोड़ा। अब मैं इसका लिड बंद कर लेके 1-2 मिनट्स पका रही उसको। ये अच्छा पक जा रहा, अब इसमें हम लोग पनीर ऐड कर लेंगे। अब ये पूरा लो पे रख ले रही मैं फ्लेम। अब हम लोग लिड क्लोज करके 5 मिनट्स के लिए पकाना रहता। अब लिड क्लोज करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। मैं लिड निकाल ले रही, अब फ्लेम ऑफ कर ले रही। ये कसूरी मेथी है, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स लास्ट में ऐड कर लेना रहता। ये ऐड करने के बाद और 1 मिनट मैं लिड क्लोज करके रख ले रही। 1 मिनट हो गया, अब मैं लिड ओपन कर ले रही। फेनुग्रीक लीव्स का भी अच्छा फ्लेवर आ गया होगा अब तक। अब हम लोग डिश आउट कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पे सर्विंग प्लेट में निकाल के रख ली। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट या फिर ढाबा स्टाइल रेशमी पनीर रेडी टू सर्व विद नान। जरूर ट्राई करें, और आपका कुछ अलग वेराइटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ यू एंजॉय अवर ब्लॉग देन प्लीज लीव अ लाइक, एंड प्लीज डू कमेंट टू शेयर योर थॉट्स, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल द लिटिल टेस्टर। We upload new videos every week. That's it for today. Stay safe, stay healthy. Dua mein yaad rakhiye. Allah Hafiz. Ilaichi bol deti. Yaad aata nahi hai. Ilaichi word. Ilaichi long chakla. ठीक है. Ilaichi cardamom 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 clove. नहीं होगा क्या, होगी बच्चे की. तुम ready है क्या? तो ready. I'm ready. Ready. नहीं नहीं नॉट रेडी रेडी। यू मेड माय डे हो पनीर मैं खुला खुला करती हूँ वीडियो में, थोड़ा अच्छा कहाँ चल जाते हैं पैन ले लेके। ओह मैं पैन ढेलते हैं, पैन लेके जाता कर मैं भी सामने जाते हैं। स्टार्ट। मिनट सॉर्ट होते ही हम लोग पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट पेस्ट।
फेस्ट क्या अभी नहीं रुको जो करना है पकाओ जी तुम्हारा पकवान है आन दो थोड़ा बुढ़ बुढ़ का आयश नहीं होता।